उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन के 29वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डोईवाला विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के पूर्व सैनिक देश सेवा करने के बाद निस्वार्थ भाव से जनहित के कार्यों में जुटे हुए हैं। सेना की तैयारी करने वाली युवाओं के लिए यह सैनिक निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर चलाकर एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं। इस कैंप के जरिए हजारों युवा ट्रेनिंग लेकर अपना भविष्य संवार चुके हैं। हमने उन वीर नारियों को सम्मानित किया जिनका सुहाग इसमें गया। किसी हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हम पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं। हम शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बना रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो देश की सीमा पर हमारा जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने गारंटी अवार्डीज की पुरस्कार राशियों को यूना बढ़ा दिया है, हमने डेकोरेशन पदक की पुरस्कार राशियों को यूना बढ़ा दिया है, और सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर